हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चटोरे बनिए में। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही यूनिक और जायकेदार रेसिपी, सोया चाप मसाला। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में करीब 2 कप के करीब दही लेंगे और डाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे करीबन 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, 1 छोटा चम्मच हरा धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच कसूरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे मिक्स करेंगे कि लम्ब्स ना रहें। और फिर सारे सोया चंक पीसेस हम इसमें डाल देंगे और मिक्स करके करीबन 30 मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। ये तो चलिए अब हम अपनी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ करीबन 3 टमाटर लिए हैं, 7-8 काजू के पीसेस लिए हैं, 2 प्याज ली हैं कटी हुई, और अब इन सबको ढककर मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो चलिए बारी अब हमारी सोया चाप को पकाने की। उसके लिए हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो एक एक करके अपने सोया चाप उस तेल में हम डालेंगे, जिससे कि हमारे सोया चाप अच्छे से पक जाए। और आँच को हम धीमी करके रखेंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, पकने देंगे। और देखिए 10 मिनट बाद इनका कलर कितना अच्छा आता है। धीरे धीरे ये मध्य आँच में ही पक जाएंगे और सारा तेल सोख लेंगे। तेल सोखने के बाद ये हमारे पक गए हैं। तो मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब तेल को गरम कर लिया है और फिर मैंने इसमें करीबन 5 से 6 काली मिर्च डाली हैं, 2 लाल मिर्च डाली हैं, 1 तेज पत्ता डाला है, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और उसके बाद पूरा टमाटो का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है। टमाटो पेस्ट डालने के बाद मैंने इसे 5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। देखिए भूनने के बाद इसका कलर एकदम से कितना अच्छा हो जाएगा। और फिर अपने नमक डाला है स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और सारे मसालों को हम इस ग्रेवी के साथ अच्छे से भून लेंगे करीबन 5 मिनट के लिए। आप इसे अच्छे से भून लें और फिर इसे ढक दें और ढककर 10 मिनट के लिए पकाएं। तो दोस्तों अब हमारा जो सोया का पेस्ट था ना बचा हुआ, वो हम इसमें डाल देंगे। वो डालने के बाद 1 कप मैंने पानी लिया है यहाँ पे, और पानी और जो सोया पेस्ट था उसको अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। धीरे धीरे आप आराम से मिक्स करिए, ज़्यादा तेज़ आंच में आपको नहीं करना है। और फिर सोया चाप आप इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद अच्छे से मिलाइए, धीमी आंच पे हल्के हाथों से मिलाइए। आपको सोया चाप को तोड़ना नहीं है, इसलिए धीरे धीरे मिला रहे हैं। फिर मैंने इसमें 1 कप पानी और डाल दिया है कंसिस्टेंसी करने के लिए, और उसके बाद इसे ढक के 5 मिनट के लिए पका लिया है। 5 मिनट हो गए हैं और देखिए हमारा कितना अच्छा कलर आया है। और अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिया से गार्निशिंग करेंगे, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा। और उसके बाद इसमें करीबन आधी चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है और इसमें मिला दिया है। डालने के बाद अच्छे से मैंने इसे मिलाया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा। और ऊपर से मलाई से मैंने इसे गार्निश कर लिया, करीबन 2 चम्मच के करीब मैंने इसे मलाई ली है और गार्निश किया है। तो तैयार है हमारी सोया चाप। इसे गरम गरम खाइए, परोसिए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।